मैं रिंकू गिल प्रेजिडेंट सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आज मैं मीडिया के माध्यम से पहले तो अपने जितने भी सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनको सलूट करता हूं और उनको ये मैसेज करना चाहता हूं कि जैसे कि पिछले दिनों में हमारे कुछ साथी जो सैनिटाइजर दवाई की वजह से जो घायल हुए हैं, जिनको जख्म हुए हैं, वो सुनकर बड़ा दुख लगा और मेरी कमीशन मैम के साथ बात हुई है। हमारी बात के अनुसार वो कल गांधीनगर वाल्मीकि कॉलोनी में एक सफाई कर्मचारी का पता लेने गए थे और उन्होंने कहा कि जितने भी वो सफाई कर्मचारी जिनको दवाई लगी है उनकी हमें लिस्ट प्रोवाइड करें, हम उनको ट्रीटमेंट भी करवाएंगे और उनको रेस्ट भी देंगे। साथ ही साथ जितने भी सफाई कर्मचारी मेरे भाई बहन हैं डेली विजर परमानेंट, उनकी इंश्योरेंस की बात की थी वो भी मैम ने मान ली है और कैजुअल और परमानेंट का इंश्योरेंस भी हो चुका है। साथ ही साथ जैसे कि यहां पर हमारे कुछ ऑफिसर और सफाई कर्मचारी भाई बहन जो गाड़ियां लेकर पूरे शहर को सैनिटाइजर कर रहे हैं, वो कल मैंने देखा यहां पर उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे कर तो लंगर प्रोवाइड कर रहे थे, वो भी हमने बात की मैडम के साथ और आज जो यहां पर लंगर प्रोवाइड किया गया वो डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया। इसलिए मैं अपने सफाई कर्मचारी भाई और बहनों को ये अपील करता हूं, हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि वो जो कुछ लोग अपनी सियासतीय रोटियां सेकते हैं उन पर ध्यान मत दे, क्योंकि यूनियन सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन जो है आज भी उनके साथ है, उनके हकों के लिए लड़ने के लिए वो तैयार है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उन लोगों के पीछे मत जाएं, उन लोगों की बातों पर ना जाएं जो कि डिपार्टमेंट को भी बदनाम कर रहे हैं और मुलाजमों का भी तमाशा बना रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि आज दोपहर को हमें पता चला कि जो कमीशन मैम ने ऑर्डर किया है 8 से 3 बजे तक कि सफाई कर्मचारी जो है 8 से लेकर 3 बजे तक काम करेगा और हमने अपने कमीशन मैम के साथ बात की और उन्होंने हमें यह कहा कि कोई भी सफाई कर्मचारी जो है उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो अपना काम खत्म करे, चाहे वो 11 बजे खत्म करे चाहे वो 12 बजे खत्म करे वो जा सकता है, लेकिन अगर इमरजेंसी इन केस डिपार्टमेंट को सफाई कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है तो वो सफाई कर्मचारी को कॉल की जाएगी और उनको अपनी ड्यूटी पर आना पड़ेगा। इसलिए मैं ये अपने सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों से ये कहना चाहता हूं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है और गुमराह ना हो, जो ड्यूटी है हमारी वो हमने करनी है। साथ ही साथ मैं फिर एक बार सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों को सलूट करता हूं, अपने मीडिया वाले भाइयों को सलूट करता हूं, पुलिस वाले भाइयों को सलूट करता हूं, डॉक्टरों को सलूट करता हूं और ये मैं कहना चाहता हूं अपने शहरदारों से भी, ये जो कोरोना वायरस है अपने घरों में रहे, इसका डटकर मुकाबला करें ताकि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस जो है हमारे जम्मू शहर से हमारे देश से जल्द खत्म हो सके। तो मैं एक बार फिर अपने सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों को ये अपील करता हूं कि वो गुमराह ना हो और सियासतीय रोटियां जो सेक रहे हैं लोग उन पर ध्यान मत दें। धन्यवाद।